अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम स्टूडेंट? ठीक ठाक है, खैरियत से? अच्छा, आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी हो बिजनेस मैथ्स के हवाले से, जिसके अंदर हमने ग्राफ को स्टडी किया था और उसके एंडिंग पर मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से जो है वो कोऑर्डिनेट्स जब हमें गिवन होंगे तो हम किस तरह से उसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा, लेट सपोज आपके पास एक पॉइंट आ गया 5, 2, दूसरा पॉइंट आपके पास आ गया 4, -3, तीसरा पॉइंट आपके पास आ गया -2, -6, डी पॉइंट आपके पास आ गया -7 और 3। वी हैव फोर कोऑर्डिनेट्स A, B, C एंड D और हम चाहते हैं कि हम इन पॉइंट्स को, इन कोऑर्डिनेट्स को एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें। तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आप स्केल लीजिए, पेंसिल को शार्प करें, ठीक, और बहुत अच्छे से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें जिसको हम कहते हैं ग्राफ पर एक्स एक्सिस। व्हाट इज दिस? दिस इज योर एक्स एक्सिस। एंड सेम लाइक आप यहाँ पर y एक्सिस को प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया x एक्सिस और y एक्सिस, और जनरली आप लिखें कि ये आपके पास x एक्सिस है पॉजिटिव और ये आपके पास y एक्सिस है नेगेटिव। ये हम अपनी लास्ट क्लास के अंदर ग्राफ के बारे से हमने तमाम डिटेल्स आपको एक्सप्लेन कर दी थी, आप जाकर वो वीडियो मेरी देख सकते हैं। ठीक, और ये आपके पास y एक्सिस हो जाएगा, y एक्सिस पॉजिटिव और y एक्सिस नेगेटिव। ठीक, अब आपने करना क्या है, स्केल जो मैंने आपसे कहा कि आपने स्केल लेना है और उस स्केल से आपने इसको इक्वल मेजर करना है। स्केल में आप 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि ये ग्राफ बहुत मुश्किल है, इसको ग्राफ पेपर के ऊपर ही आप बनाएं। अगर ग्राफ पेपर नहीं भी है तो एक सिंपल रजिस्टर की शीट के ऊपर भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करें तो फिर एक उसके लिए हम अलग अपनी क्लास जो है वो कंडक्ट करेंगे। नाउ ये जो मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ, ये ग्राफ आपका सिंपली एक पेपर के ऊपर, एक शीट के ऊपर, एक रजिस्टर के पेपर के ऊपर भी ईजिली बन जाएगा। कैसे बनेगा? तो आपने करना ये है कि एक्स एक्सिस में यहाँ नंबर्स देने, पॉइंट्स आपने देने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। थोड़े से ये अनइक्वल आपको लगेंगे कि थोड़ा सा ज़्यादा गैप आ रहा है, कम गैप आ रहा है, तो ये मैं बोर्ड पर बना रहा हूँ तो इसलिए आपको ऐसा फील होगा। अदरवाइज जब आप अपने रजिस्टर के ऊपर बनाएंगे तो आप इक्वल सेंटीमीटर लीजिएगा। यू रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। सेम लाइक y एक्सिस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर भी इसमें ड्रॉ करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। ठीक है, अब पहला पॉइंट पिक करते हैं। ये जो पहला पॉइंट है इसमें पहला कोऑर्डिनेट जो है वो है एक्स। पहला कोऑर्डिनेट हमेशा x होगा, y पहले नहीं आएगा, हमेशा x आएगा पहले, और फिर ये क्या है y। अब x पर है ये 5 और y भी क्या है 2, तो हम यहाँ आ गए, हमने कहा x, ये रहा 5, यहाँ से ये x मूव होगा और ये रहा यहाँ पर, यहाँ पे हम मूव करेंगे इसको 2 को। तो नाउ वी गेट द पॉइंट डॉट। व्हाट इज दिस? ये एक डॉट हमें मिल गया, इस डॉट को हमने क्या नंबर दिए, क्या नंबर पे प्लॉट किया, 5, x का 5 है और y का क्या है 2 है। तो इस तरह से आपके पास ये डॉट प्लॉट हो जाएगा। ठीक, अगर हम इस क्वेश्चन को ये कहें कि इसको हम डिस्क्रिप्शन क्या दें, इसको टाइटल क्या दें, तो टाइटल सिंपली ये होगा हाउ टू प्लॉट कोऑर्डिनेट्स ऑन ग्राफ। ये इसका सिंपल टाइटल बन जाएगा जो आप देखेंगे मेरे यूट्यूब पर, जो ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो उसका जो टाइटल होगा वो यही होगा कि हाउ टू प्लॉट
कोऑर्डिनेट्स ऑन ग्राफ। अब आ जाते हैं इस पॉइंट के ऊपर, ये एक्स का पॉजिटिव है और वाई का नेगेटिव, एक्स का पॉजिटिव और वाई का नेगेटिव, तो ये पॉइंट आपको यहां मिलेगा, सही है। तो ये आपके पास यहाँ आ गया एक्स का पॉजिटिव। आप जब ड्रॉ करेंगे स्केल से करेंगे तो आप स्ट्रेट ड्रॉ कीजिएगा, मेरे से थोड़ा सा लाइन आगे पीछे मूव हो रही है, कोई इशू नहीं है। सीखना हमारा मकसद है कि हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो सिखा सकें, और ये रहेगा वाई रहेगा माइनस वन। तो लिहाजा ये जो डॉट आ गया आपके पास, ये डॉट प्लॉट हो गया कि इसमें एक्स जो है वो फोर है और वाई क्या है माइनस थ्री है। इसी तरह सी पर आते हैं तो सी आपको मिलेगा माइनस टू माइनस सिक्स, मीन्स एक्स भी माइनस में है और वाई भी माइनस में है, दोनों माइनस में। अब दोनों माइनस में है तो हमें इसके लिए इसको प्लॉट करने के लिए कहाँ जाना होगा, हमें इसको प्लॉट करने के लिए थर्ड क्वाड्रेंट में जाना होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हमें माइनस टू कहाँ मिलेगा, हमें माइनस टू यहाँ मिलेगा, और देन वाई और सिक्स जो है सिक्स हमें यहाँ मिलेगा। तो जब हम यहाँ से एक्स को मूव करेंगे, यहाँ से सिक्स को मूव करेंगे, तो हमें यहाँ पर इसका एक कॉर्डिनेट, एक पॉइंट, एक डॉट हमें मिल जाएगा, विच इज कॉल्ड माइनस टू माइनस सिक्स, ठीक। एंड द लास्ट वन इज डी, डी इज सिंपली माइनस सेवन प्लस थ्री, माइनस सेवन एक्स हो गया आपका माइनस सेवन में और थ्री जो है आपका प्लस में, तो एक्स माइनस में और वाई प्लस में। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स होगा ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये सेवन आ रहा है यहाँ पर, तो ये सेवन यहाँ से मूव होगा, यहाँ से थ्री मूव होगा, तो ये हम पहले थ्री मूव कर लेते हैं और यहाँ से हमारे पास ये सेवन मूव होगा, तो ये आपका डॉट यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा माइनस सेवन और थ्री। तो जनाब ये आपका सिंपल एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिसके अंदर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और आपने उसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना होगा, विच इज़ वेरी इजी, बहुत सिंपल है। आपको इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, जब आप ये मेरी वीडियो देखें तो आपके पास पेंसिल कॉपी रजिस्टर रबर सब कुछ होना चाहिए, वीडियो देखते जाएं और घर पर बैठकर आप जो है फर्स्ट ईयर की बिजनेस मैनेज जो है वो सीखते जाएं। अच्छा सेम यही क्वेश्चन जो है आपका बीकॉम पार्ट वन की बिजनेस मैनेज में भी होता है, तो अगर मेरी वीडियो को बीकॉम के स्टूडेंट देखते हैं तो वो भी इससे जो है वो ग्राफ वाला जो चैप्टर है वो आप सीख सकते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, इसी तरह आप पढ़ते रहें, और आखिर में एज यूजुअल मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मेरी वीडियोस को जो है वो देखें, ठीक है, लाइक करें, उस पर कमेंट्स करें, शेयर्स करें, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप उससे पूछना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद होगा, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। और ये आपके सामने है, अगर आप इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो मैं बोर्ड से मूव हो रहा हूँ और आपसे इजाज़त मांगता हूँ, और इसको आप स्क्रीन शॉट लें, आप अपने पास एज अ स्क्रीन शॉट रिकॉर्ड करके बाद में भी प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एंड लास्ट थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।